हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश की है जो कि कुछ ही मिनट में थ्री व्हीलर से इसे टू व्हीलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर आप थ्री व्हीलर खरीदते हैं तो इसमें आपको स्कूटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये कैसे काम करती है, क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। हीरो कंपनी ने हीरो वर्ल्ड 2024 में इसको पेश किया है और ये कैसे कन्वर्ट होती है इस वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये थ्री व्हीलर से टू व्हीलर कन्वर्ट होने में मात्र 3 मिनट का समय लेता है। यानी कि इसका जो फ्रंट का बोनट है इसको आपको हटाना है और इसमें से आपको स्कूटर बाहर निकाल लेना है, जिसमें आप इस स्कूटर का भी लुक देख सकते हैं। इस मॉडल का नाम है सर्ज S32 और इस स्कूटर का लुक आप देख सकते हैं जो कि नॉर्मल स्कूटर की तरह आपको देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट की है और इस स्कूटर में आपको 3 किलोवाट का पावर देखने को मिल जाएगा और टॉप स्पीड 60 केएमपीएस तक देखने को मिल जाएगी। वहीं इसमें बैटरी पैक 3.5 किलोवाट आवर के साथ दी गई है, लेकिन वही जो थ्री व्हीलर में कन्वर्ट होती है तो इसमें आपको 10 किलोवाट की पावर मिलती है और इसमें बैटरी पैक 11 किलोवाट आवर की लगी हुई है और टॉप स्पीड थ्री व्हीलर के साथ 50 केएमपीएस तक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एक पैसेंजर और बाकी आपको 3 कार्गो मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगी जो लोग छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, जिनको अपने प्रोडक्ट डिलीवर करने होते हैं, उनके लिए काफी बेहतर रहेगी, जिससे कि वो जब चाहे अपने स्कूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे अपने थ्री व्हीलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको इलेक्ट्रिक सेगमेंट में देखने को मिलेगी। इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, जैसे आपको एक थ्री व्हीलर्स देखने को मिलती है, ई रिक्शा देखने को मिलती है, वैसे आपको यहाँ पे इसमें भी लुक देखने को मिल जाता है, लुक वाइज भी काफी बेहतर लग रही है। वहीं केबिन के अंदर अगर आप इसका डिस्प्ले देखेंगे तो जो स्कूटर्स का आपको जैसा डैशबोर्ड मिलता है वैसे यहाँ पे फील होने वाला है और इसमें आपको बैठने की जगह भी मिल जाती है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं केबिन के अंदर। तो ओवरऑल हीरो कंपनी की ये कॉन्सेप्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसकी प्राइसिंग क्या होगी, कब तक लॉन्च होगी, इसकी ऑफिशियल अभी कोई डेट नहीं आई है जिससे लॉन्च होगी, इसकी प्राइसिंग रिवील होगी आपके साथ फिर से वीडियो शेयर कर देंगे। बाकी हीरो मोटोकॉर्प ने एक अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पेश किया है, तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।